अजीत वैब टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। पानी के बिना जिंदगी का क्यास नहीं किया जा सकता। पानी एक यहोजी अणमुली दात है जिहड़ी धरती के उत्ते वसदे हर प्राणी के लिए बेहद उपयोगी है, बेहद लोड़वंद है। पर कई बार यही पानी जिंदगी का खौ भी बन जाता है। अखबारों के अक्सर असी खबर पढ़ते हाँ कि जिंदगी तो परेशान इंसान ने फलाने व्यक्ति ने पानी दे विच छाल मार दित्ती, नहर दे विच छाल मारी है, जां फिर जदों किते हड़ आउंदे ने तां फिर पानी दे नाल कई जिंदगियां वह जांदियां ने। उस वक्त सब तो पहला जिहन दे विच सरकारां दे वी ते पुलिस प्रशासन दे वी इक्को ही नां आउंदा है कि गोताखोर कित्थों मिलणगे। ते जिहड़े लोग जिंदगी दी डुबकी लगाउंदे ने पानी दे विच उहनां नूं गोताखोर कहा जांदा है। ते अजीत वैब टीवी दी टीम दे वल्लों आशू मलिक ते शाहिद खान इह दो नौजवान ने जिहड़े बड़िया हुण तक जिंदगियां बचा चुके ने, बड़े उलझे हुए मसले अपनी गोताखोरी दी कला दे नाल सुलझा चुके ने। इन्हां दी बहादुरी दे उत्ते, इन्हां दे जज्बे दे उत्ते विशेष रिपोर्ट तैयार की गई है जिहड़ी तुहाडी नज़र है। शिवसेना बाला साहिब ठाकरे गोताखोर टीम पिछले 22 सालां विच पाणी विच डुब के मौत दे मूंह विच जा रहीयां 20,000 जिंदगियां नूं बचा चुके ने। खुदकुशी ते हादसिआं कारण पाणी विच रुड़ गईयां 46,000 तों ज़्यादा लाशां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ते राजस्थान तक फैलियां होईयां नहरां दे विच्चों कढ चुके ने। इस दे नाल ही 500 तों ज़्यादा ट्रकां, कारां, बसां, दो पहिया वाहनां नूं वी नहरां दे विच्चों बाहर कढ़िया जा चुकिआ है। 12 साल की उम्र में जदों आशू मलिक नूं इह पता भी नहीं सी कि गोताखोरी की हुंदी है, उसने नहर विच डुबदी एक औरत की जान बचाई सी। उसनू इस बहादुरी लई इन्नी प्रशंसा मिली कि उसने गोताखोरी नूं ही जिंदगी बना लिया ते उसकी अद्धी उम्र पानी नाल खेडदियां लंघ गई है। उसकी 146 गोताखोरां दी टीम चार ही सूबियां दीआं नहरां दे पुलां उत्ते किसी अणहोणी घटना नूं टालण दे लई तैयार बर तैयार रहिंदी है। अपा पिछले 22 सालों से ये काम कर रहे हैं और 22 सालों के अंदर अपा हूँ तक 46,000 डेड बॉडियां लगभग अपा निकाल चुके हैं, जिनके अंदर से काफ़ी तकरीबन बॉडियां आइडेंटिफिकेशन हो गई हैं। जो डेड बॉडियां आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई उनको अपा चेक चुक करते हैं, पता करते हैं, उनका फ़ोटो फोटो करते हैं, पुलिस को उनके बारे में बताते हैं। पुलिस को बताने के बाद में फिर उसकी फ़ोटो वगैरह करके अपने एक रिकॉर्ड के अंदर भी रखते हैं। अपा इन्ने एक्सपर्ट गोताखोर हाँ, अपा यह दस सकते हूँ यह बंदा इतों डिग गया है, किन्ने दिन बाद ये उत्ते आऊगा, किन्नी दूर तक जाऊगा, कितने जाके वो मिल जूगा। अपा सीधे डायरेक्ट उत्थे जाके बहने हैं, बॉडी सीधी डायरेक्ट उत्ते उठती है, अपा ठा के जदी फड़ लें बॉडी में, फड़ के परिवार वाले जोड़े होंगे ने उन्होंने उन्होंने सपुरद कर देने। जे कोई नहीं आता तो साड़ी मजबूरी है, फिर अपन छड़नी पैंती है बॉडी, क्योंकि फिर पुलिस वाले कहें नहीं भी 174 की कार्रवाई करनी पेगी, साढ़ा 7-8,000 रुपये का खर्चा आएगा, जान दे यार क्यों साढ़े मत्थे मल रहा, फिर सारे सिस्टम वेखना पैंदा जी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चार स्टेट अपने कोल हैगे ना गोताखोर जिहड़े आपां काम कर रहे हैं। हुण जिहड़े आपां काम कर रहे हैं शिवसेना बाला साहिब ठाकरे गोताखोर टीम के नाम से ही काम करते हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, बॉडियां कढ रहे हैं, पर बॉडी कढ़न का सानू किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा सरकार वल्लों, जिहड़ा सानू लाभ मिलना चाहिए। जिवें साढ़े बुजुर्ग ने, बापू ने, साड़ी उन्हां दी कोई पिलसन नहीं हैगी, कोई साडा पीला कोई राशन कार्ड नहीं बनया होएगा, कोई सरकार तो किसी तरह का बेनीफिट नहीं है। गोताखोर जिहड़े हैगे बेचारे इन्नी माड़ी हालत च हैगे हैं, हुण कोई नारियल कट रहा है, कोई सिक्का कट के अपना रुजगार चला रहा है, कोई चिंबक मार रहा है, कोई पैसे कट रहा है, यह सिस्टम अज गोताखोर का हाल है। तुसीं इह जाण के हैरान होवोगे कि इन्हां दी तैनाती कोई सरकारी महकमा जां अफसर नहीं करदा, बल्कि ये पेशावर गोताखोर अपनी खुशी ते मर्जी नाल जान तली उत्ते टिका के नहरां दीआं गहराईआं विच गोता लाउंदे ने ते जित्थों तक संभव हो सके किसे डुब रही जिंदगी नूं मौत दीआं लहरां विच्चों कढ लिआउंदे ने। लापता लाशां नूं लभण विच इन्हां दी इन्नी मुहारत है कि बहुत सारे मामलों में सरकारां ते पुलिस भी इन्हां कोलों मदद लैण आउंदियां ने। पुलिस दे एक इशारे उत्ते इह भज के गोता लाउण लई तां तैयार हो जांदे ने, पर कम हो जाण तों बाद इन्हां दे गिले हत्थां विच पाणी दीआं कुछ बूंदां तों सिवाए नहीं आउंदा। इन्हां दीआं जेबां विच्चों नहरां दे कंढ्यां दी मिट्टी तों बिना होर कुछ भी नहीं निकलदा, इस लई इह धूड़ फक के ते नहर दा पाणी पी के जिंदगी बसर करन लई मजबूर ने। ना कदे किसे सरकार ने इन्हां दी बांह फड़ी है ते ना ही पुलिस महकमे ने।
इन्हां ने लाशां लभ के कई अणसुलझे मामले भी हल कराए। इन्हां ने अपनी जेब विच्चों लखां रुपए भी खर्च किए। कई वड्डे हादसों में सरकारी अमले की मदद की ते कई परिवारों के विछड़े जीआं दीआं लाशां उन्हां नूं लभ के दित्तियां ने। जिहड़ी हुण फतेहगढ़ साहब बस डिग्गी सी उस च आपां ने 26 मुंडे लाए सी। 26 मुंडिया ने काम किया, दिन रात एक काम करके एक महीना 13 दिन सन आपां काम किया, जिवें डेड बॉडी लभना बस नूं कढ़ना। बस ते आपां 4 या 5 घंटे तक कढ़ती सी, लेकिन बॉडी लभण नूं सानूं खासा टाइम लग गया। आपां बॉडी कढ़न वास्ते राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, 4 स्टेट तो आपां बॉडियां चक्कियां ने। 4 स्टेट तक आपां गए हां काम करदे करदे। ठीक है, सरकार ने ना तो सानूं कोई पैसा दिता, ना रोटी दिती, ना कुछ। एक आपां 15 लीटर तेल दे गुनाहगार हैं। उन्होंने सानूं पहले दिन 15 लीटर एक तेल दिता जी, पेट्रोल, बस उस चीज़ के आपां गुनाहगार हैं, हले तक वो लिता है। और बॉडी लभण वाले सानूं एक महीने से 72,000 रुपये साड़ी जेब तो लग्या सी, जिहड़ा सरकार ने हुण तक सानूं कुछ नहीं दिया। जेब तो दिता नहीं, मेहनत ने तो मेहनत ना, साड़ी जेब का भी कुछ नहीं दिता। एक केस आपां सुवावी वाला किया, एक परिवार के 6 बंदे मार के सटते सी सुवावी विच। उहदे विच भी सानूं 40 दिन लग गए सी डेड बॉडियां लभण नूं। 6 डेड बॉडियां सी, जिहदे विच 2 डेड बॉडियां मिली, 4 ते मिलियां नहीं सी। सारी नहर चों जिन्नी सफाई, गड्डियां, मोटरसाइकिल, कार, जो भी समान सी सारा कढ दित्ता इन्हां नूं। हुण फतेहगढ़ जिहड़े आपां ने काम किए ने, 8 काम किए जिहदी कि साडे कोल रिकॉर्ड है, डिटेल है, जिहड़े सरकार ने हले तक साडा कोई पैसा नहीं दित्ता। इस टीम के 4 गोताखोर साथियां राजेश कुमार, नीरज कुमार, मुकेश कुमार ते बॉबी ने नहर विच डुबकी तां किसे दी जान बचाउण लई लाई, पर यह डुबकी उन्हां दे लई आखरी साबित होई। दूजियां नूं पाणी विच्चों बचा के नवी जिंदगी देण वालियां नूं आखर पाणी नहीं निगल लिया। आशू मलिक अपने इन्हां साथियां नूं शहीद मानदा ए ते सरकार तों इन्हां दे परिवारां दी आर्थिक मदद की उम्मीद करदा है, जो हाले तक पूरी नहीं हुई। इन्हां नूं सरकार वालों कई माण पत्र तां मिले ने, पर कदे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। जिन्हां सरदे पुजदे परिवारां दे मैंबरां नूं इह गोताखोर कढ के लियाउंदे ने, ओह तां इन्हां दी चोखी आर्थिक मदद करदे ने, पर इन्हां दी मंग है कि सरकार गोताखोरां दी सरकारी भर्ती करके इन्हां दी ड्यूटी नहरी पुलां उत्ते लावे ते इन्हां नूं पक्की तनखाह देवे। आशू मलिक दा कहना है कि जे सरकार ये तजवीज़ मन लवे ते सारे प्रमुख नहरी पुलां उत्ते CCTV कैमरे लगा दिते जाण तां उन्हां दी टीम पंजाब विच नहरां अंदर डुब के होण वालियां मौतां दे हादसे काफ़ी हद तक रोक सकती है। हुण इस काम नूं करदे करदे साढ़े 4 मुंडे शहीद हो गए ने, किसी ने सूझ बूझ नहीं लिती। अज राजेश दा प्यो बेचारा, राजेश दी मम्मी, लोकां दे DC दे दर दर दी ठोकरा खा रही है भी मेरे पुत्तर नूं किछ दे दिओ। हुण ही कोई बिल्डिंग गिर जाए, कित्थे भूकंप आ जाए, कोई एक्सीडेंट आ जाए, मिंट च सरकार दा नुमाइंदा आ के ऐलान कर दिंदा कि भी लो भी मैं इन्हों जे मुरत ने इन्हों मैं 2-2 लाख रुपए दिना, जोड़े घायल हो गए उन्हों 50-50 हज़ार, जोड़े कम घायल ने जिन्हों छोटी मोटी सट्टा लगे ने उन्होंने 25-25 हज़ार, जोड़े गोताखोर डेड बॉडियां कड़ रहे हैं, कीड़े पई भी डेड बॉडी जिसे कोई कोल भी नहीं खड़े होंगे, परिवार वाले भी बॉडी वेख के 20 फुट दूर खड़े हो जाते हैं। आप उन डेड बॉडियां अपने कंधे से चकते हैं, अपने इन हत्थों तो चकते हैं, कीड़े पई बॉडियों, सारी बीमारियां अपने उत्ते लैंदे हैं। सानू पुछण वाला कोई अज तक कोई नुमिंदा नहीं आया। बादल की सरकार रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार रही है, हुण BJP वाले कह रहे थे आप सारे गरीब की यानी सब का साथ सब का विकास, कित्थे गए BJP वाले, सब का साथ सब का विकास कित्थे बढ़ गए। हुण तक भी साढ़े कोल उन्होंने यह नहीं दिखता भी आप 46,000 डेड बॉडियां कढ़ दी। इंडिया विच सब तो ज़्यादा सर्टिफिकेट साढ़े कोल हैगे, असी 2 बंदे हैं, 2 प्रधान हाँ, शंकर भारद्वाज ते मैं आशु मलिक, 2 प्रधान आप हैं गोताखोर दे। हले तक भी दोनों प्रधानों कोल कोई बंदा सूझ बूझ लैन नहीं आया। वो तो बेचारे अपने पटियाले दे हरी सिंगला जिहड़े शिवसेना उप प्रमुख ने पंजाब दे, उन्होंने माड़ा मोटा साडा राशन रूशन जां बेचारे ने 2-4 बार उन्होंने दिता है, बाकी किसी बंदे ने अज तक साडी सूझ बूझ नहीं लिती कि भाई चल भाई गोताखोर ने जिहड़े काम कर रहे ने, गली सड़ी डेड बॉडियां कढ रहे ने, इन्हां दा कुछ कर लें। जिहड़े गोताखोर अगर ये पक्के कर देण हादसे हो ही ना। मैं एक चैनल ते इंटरव्यू ते कहा सी बई फतेहगढ़ साहब कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई गरीला, कोई गोताखोर, कोई ड्यूटी लाओ। उस इंटरव्यू तो मेरे बाद पूरे 15 दिन बाद यह हादसा हुआ सी, बस जिहड़ी डिग्गी सी। जे नहर ते CCTV कैमरे लग जाण और गोताखोर परमानेंट पक्के लग जाण, मजाल है कोई एक भी हादसा हो जाए। साहिद खान दा यह भी कहना है कि सरकारां जेकर साडी मदद करन तां असीं कुछ होर भी करके दिखा सकदे हां। साहिद खान ते इन्हां दी समुची टीम ने, इन्हां दे दोस्तां ने जिहड़े कि गोताखोरी दी कला दे नाल जुड़े हुए ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਣਗਿਣਤ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਮ, 40,000 ਸੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੋੜੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਬਾਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰਨ ਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਨਹਿਰੇ ਬਣ ਜਾਤੀ ਹੈ 500 ਸੇ ਉੱਪਰ, ਅਧਿਕ ਬਣਤੀ ਹੈ 500 ਸੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਇਸਕੀ 200-250 ਕੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਨਹਿਰੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 8, 7, 10, ਕਈ ਵਾਰੀ 15-15 ਵੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲੀਏ। ਤੋ ਗੋਤਾਖੋਰ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਕੜਤੇ ਹੈ, ਉਸੀ ਸੇ ਜੋ ਉਸਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਭੀ ਦੇ ਗਏ ਤੋ ਦੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋ ਕੁਛ ਮਿਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਲੈਤੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਕੇ ਜੋ ਗੋਤਾਖੋਰ ਹੈ 10-12 ਕੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ ਸੇ ਪੇਟ ਪਾਲਤੇ ਹੈ। ਇਨਕੋ ਜੋ ਨਾ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਜਾਏ, ਨਹਿਰੋਂ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਇਨਕੋ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।